तो गाइस यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग के लिए आया है आज। सो पंचम स्टूडियो जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये अंधेरी वेस्ट में लोकेटेड है। प्लेबैक सिंगर है पंचम परदेसी, जिसके साथ मैं अभी कोलाब करने वाला हूँ। तो इनका ये छोटा सा टाइप का स्टूडियो है जो आप देख सकते हो, बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया हुआ है। जैसे आप अंदर जाते हो, अंदर जाने के बाद ये बहुत सही बना हुआ है। तो पंचम सर बताइए कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ तो अभी बस पंचम सर अभी गाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा अभी काम चल रहा है। जैसे एक वीडियो आएगी तो उसका ट्रेलर पहले मैं डाल दूंगा, जैसे पंचम सर बता रहे थे जी। तो कितने गाने आने वाले इसमें? बस ये 5 गाने ड्यूएशनल हैं, नाकोड़ा भैरव, ओसिया माता, खेतला भैरव पे, सब यही गाने हैं। सब राजस्थान टच, जो अपना राजस्थान में नकोड़ा भैरव जी कितना महान विशाल मंदिर है, जिनके हाँ बजरंग बली का है विशाल मंदिर, साला सर मेहंदीपुर, मेरे डैडी है साला सर मेहंदीपुर में विशाल मंदिर हनुमान जी का है, तो भी गीत है, और भोलेनाथ का है गाना। तो एक दो लाइन कुछ सुन के बता सकते हो? जैसे शंकर भगवान का गाना है, ओम नमः शिवाय की महिमा, ओम नमः शिवाय की महिमा गाते जाएंगे, हे भोले बाबा तेरे द्वारे आते रहेंगे, हे भोले बाबा तेरे द्वारे आते रहेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कोई हनुमान का बता दो, कोई हनुमान का सॉन्ग आप बता रहे थे उसके ऊपर भी एक दो लाइन गा लो जी। हनुमान जी का अभी देखिए, अभी तुरंत दबी होने वाली है, बलि के बलि है बजरंग बलि, दुखियों के इनसे दुखड़े टली, बस एक बात से खुश रहते थे हनुमान, जो लेते इनके प्रभु का दिल से नाम। क्या जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कितने दिन लगेंगे आपको गाने बनते? बस आपका ये 3-4 दिन में हो जाएंगे गाने। ठीक है, वही अभी गाइस एडिटिंग चालू हुई है इसका, जैसे आप देख सकते हो थोड़ा काम चल रहा है अभी तक। तो अच्छा खासा स्टूडियो का सेटअप है इनका। तो इसमें खर्चा क्या आता है आपके हिसाब से? यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है, मैं बताता हूँ। हाँ चलो बता दो। हाँ, यहाँ पे यहाँ से हम लोग डबिंग करते हैं। बरोबर। ऐसे यहाँ पे पहले भगवान गणेश जी का पहले ऐसा पाँव रखते हैं, और उसके बाद यहाँ से डबिंग करते हैं। ठीक है, ये हेडफोन लगाते हैं। ओके। और यहाँ से शुरू होता है, वहाँ स्पाइक हो जाता है, और उसके बाद हमारे एडिटर इधर बैठे हैं। ये एडिटर साहब है, एडिटर, हाँ, अरेंजर, रिकॉर्डिस्ट अपने दर्पण साहब, दर्पण साहब नाम है इनका, इनके सौजन्य से ये गाना सब डबिंग एडिटिंग सब होगी, कंप्लीट होगा। तो यहाँ बैठे हैं वो, अभी फिर वो गाने जब शुरू होंगे तो जाके अपना रिकॉर्ड करेंगे, मैं गाऊंगा। तो दर्पण सर ही सब अपना एडिटिंग और जो भी काम है रिकॉर्डिंग का सब वही कर रहे हैं। हाँ, पूरा। और ये खाली सिंगर है जो मेन कंपोज कर रहे हैं गाने को। हाँ जी। तो मेन ये स्टूडियो भी बहुत अच्छे से बनाया है इन्होंने, जैसे आप देख रहे हो। लाइक आपको सब इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, कोई भी काम हुआ तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर और आपको एड्रेस में लिंक में दे दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और मिक्स गुरु ज्ञान का नाम लोगे तो थोड़ा बहुत कंसेशन भी देख लेंगे लोग। तो ये छोटा सा स्टूडियो है इनका, तो बहुत सही है। अभी जैसे एक ट्रेलर आता है, चलो अपनी लेमन टीवी आ गई है, बहुत ज़बरदस्त। कम से कम 3 बार तो लेमन टी पी चुके हैं, है कि नहीं? नहीं तो स्टूडियो में क्या है, योगी ने अली का बोला था वो गाना हम बजरंग बली पे गा रहे हैं अभी। हाँ, वो आपको हाँ, जल्दी से यूट्यूब पे आएगा। योगी, अच्छा। योगी बहुत गलत बात किए हैं, योगी बहुत गलत बात किए हैं। पुरखों पुराणों से ये कथा चली आ रही है, भगवान का लोग पूजन करते हैं, कैसे उन्होंने दलित बता दिया। आज सभी लोग कर मतलब बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े हनुमान जी इतने बड़े भगवान है, पूरा दुनिया उनको पूजती है, लेकिन ये गलत बात किए, दलित है गलत, ये नहीं होना चाहिए। भगवान भगवान होता है, भगवान के सहारे हम लोग हैं, भगवान के सहारे हम लोग जी रहे, खा रहे, पी रहे, आज जो कर रहे हैं, जो भी काम, सब हनुमान जी का देन है, प्रभु श्री राम हनुमान, बस उन्हीं का देन है। और
उनके वजह से ऐसा हो रहा, लेकिन लोग जो गलत बोलते हैं गलत नहीं बोलना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। बराबर है आपकी बात भी। हाँ बोलो। तो गाइस वही मैं बता रहा था कि, और हाँ सबसे पहले मैं आपको रिकॉर्डिंग बता देता हूँ कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये कैनन का आईएसओ 1300D से हो रही है, तो मेरे को बताओ क्वालिटी कैसी आ रही है। और गाने का मैं जल्दी ट्रेलर डालने वाला हूँ, जैसे पंचम सर बता रहे थे, तो ट्रेलर जैसे मैं डालूंगा तो आप बताना कैसा है, उसके बाद ही मैं वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ, उसके पहले पब्लिश नहीं करने वाला। तो गाइस जैसे ट्रेलर आता है मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा ट्रेलर बनाने को, और 25th को मैं राजस्थान जा रहा हूँ, तो राजस्थान के बाद ही होएगा जनवरी में। हाँ लोकेशन देखने हैं तो शूटिंग भी वापी होएगा, सो जनवरी में जैसे फर्स्ट वीक चालू होएगा उसी टाइम में मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगा। चलो यार गाइस, और आपको एक दो ट्यून सुना दूंगा जो बन रहा है। चलो तब तक के लिए लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, और सर क्या कर देना, सब्सक्राइब किसको करना है सर? सब्सक्राइब करना है अपने जो भजन जाएंगे, जो ट्रेलर है, जो आगे चल के फिर वीडियो भी आएंगे, उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो इनका भी चैनल है यूट्यूब पे पंचम परदेसी करके, तो निशात पंचम म्यूजिक से हमारा है, निशात पंचम म्यूजिक से है मेरा, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरा जो चैनल है मिक्स गुरु ज्ञान, तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इस गाने का मैं खुद स्वर, मैं सिंगर हूँ और लिरिक्स राइटर भी हूँ और साथ में म्यूजिक डायरेक्टर भी इस गाने का, और इनके पास फुल लाइसेंस है, तो आपको टेंशन नहीं अगर आप इनके पास आते भी हो तो। हाँ गाना बनवाना हो तो अपना हर्ष जी उसमें कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी गाना, किसी प्रकार का भी गाना बनवाइए, चुनाव का हुआ या कोई एल्बम हुआ या फिल्म हुआ, सीरियल हुआ, कुछ भी आप बनवा सकते हैं, बेशक आइए। और मैं राहुल जी का भी बनाना है तो बना देंगे वो। योगी और राहुल जी सब एक ही है, योगी राहुल सबका मैं गाना बनाता हूँ, कोई भी योगी राहुल मोदी सरकार सबका गाना हम लोग, कोई भी कंटेंट लेके आ जाए, कुछ भी बना, कुछ भी बनवाइए सर। अच्छा अच्छा, बस मेरा नंबर याद रख लीजिए, 9892112169। ठीक है सर, धन्यवाद। दर्शन करते रहेंगे।